आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2020 में रिलीज होने वाली चार बड़ी फिल्मों के बारे में। तो आपके फेवरेट अभिनेताओं की फिल्मों के जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर एक, सूर्यवंशी। रोहित शेट्टी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और यह एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं और उनके ऑपोजिट कैटरीना कैफ भी दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म के द्वारा अक्षय कुमार रोहित शेट्टी पहली बार एक साथ काम करेंगे और इस फिल्म को ईद के मौके पर यानी 2020 में रिलीज़ किया जा सकता है। तानाजी। अजय देवगन इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। ये एक ऐतिहासिक एक्शन फिल्म मानी जा रही है जिसका निर्देशन ओम रावत कर रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ सैफ अली खान, काजोल और साउथ जगत के लोकप्रिय अभिनेता जगपति बाबू भी नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को 10 जनवरी 2020 को रिलीज किया जाएगा। नंबर तीन, शमशेरा। करण मल्होत्रा के निर्देशन के तहत और आदित्य चोपड़ा इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। ये एक बॉलीवुड की सबसे शानदार फिल्मों में से एक साबित हो सकती है। ये एक ऐतिहासिक फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। ये फिल्म अपनी शानदार स्टोरी के लिए चर्चा में है। फिल्म को 30 जुलाई 2020 को रिलीज किया जा सकता है। दी मैन। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर नीरज पाठक के तले बनी शानदार फिल्म जिसमें सनी देओल और डैनी डेंचोंगपा मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। वर्ष 2007 में रिलीज हुई फिल्म बिग ब्रदर के पश्चात एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं। माना जा रहा है इस फिल्म को 14 फरवरी 2020 को रिलीज किया जाएगा क्योंकि ये फिल्म काफ़ी समय से अटकी पड़ी है। पहले भी खबर आई थी कि ये फिल्म 2017 में रिलीज होगी पर किसी कारणवश इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। अब देखते हैं कि ये फिल्में रिलीज़ हो पाती हैं या नहीं। कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। आपको कौन सी फिल्म का सबसे ज़्यादा इंतजार है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी नई वीडियोज़ के लिए। सलमान खान बॉलीवुड के दबंग अभिनेता कहलाते हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हैं। आज मैं आपको बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान और सनी देओल में पाई जाने वाली तीन कॉमन बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर एक, सलमान खान और सनी देओल ने आज तक कभी किसी फिल्म में विलन का किरदार नहीं निभाया है, वे अक्सर हीरो के किरदार में ही नजर आते हैं। नंबर दो, सलमान खान को जिस तरह दान करना पसंद है उसी तरह सनी देओल को भी दान करना पसंद है। सनी देओल अक्सर अस्पतालों और अनाथालयों को दान करते रहते हैं और करोड़ों रुपये इन पर खर्च करते हैं। नंबर तीन, सलमान खान अपने घर के सभी सदस्यों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वहीं सनी देओल भी अपने खाली समय में अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। नंबर चार, सलमान खान स्वस्थ रहने के लिए जिम का खास ख्याल रखते हैं तो सनी देओल भी अपनी बॉडी केयर के लिए सुबह जल्दी उठकर ताज़ी हवा में घूमते हैं और योग करते हैं। आपको सनी देओल सलमान खान में कौन सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएँ।